तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CCSIT में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन पर दो दिवसीय कार्यशाला BrainMentors लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से हुई। कार्यशाला का शुभारंभ प्रोफेसर VC प्रोफेसर रघुवीर सिंह, मुख्य वक्ता रविकांत त्यागी, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर RK द्विवेदी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशेंद्र कुमार सक्सेना ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रघुवीर ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। छात्र छात्राएं तकनीकी विकास और निर्माण के विषय में नवीनतम जानकारी प्राप्त करते हैं। वे बोले कि मशीन लर्निंग आज हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना रही है। उन्होंने सुरक्षा और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मशीन लर्निंग तकनीकी के हो रहे प्रयोगों के बारे में कई उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से ये तकनीक हमारे जीवन को आसान बना रही है। मुख्य वक्ता श्री त्यागी ने वर्कशॉप में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन को लेकर बारीकियां सिखाई। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आशेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि विश्व ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर है, जिससे समय, श्रम और धन की बचत के साथ साथ कार्य में एक्यूरेसी भी हासिल की जा सकती है। संयोजिका नीरज कुमारी ने बताया कि कार्यशाला के प्रथम दिन प्रतिभागी मशीन लर्निंग में KNN एल्गोरिथम और दूसरे दिन ANN एल्गोरिथम का प्रयोग सीखा। अंत में प्राचार्य प्रोफेसर द्विवेदी ने आए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर रंजना शर्मा, अनु शर्मा, रूपल गुप्ता, दीपेंद्र रस्तोगी, प्रदीप कुमार शाह, स्वाति विश्नोई, मनोज हप्ता सहित कॉलेज के अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। संचालन अविनेश तिवारी ने किया। Sciences and Information Technology Tirthankar Mahavir University Moradabad has organized 2 days practice session on advanced Python programming, which is useful to develop machine learning based applications. This training session was conducted by BrainMentors, New Delhi. This organization usually providing the corporate training, and their core area is of software application development. From College of Computing Sciences side, Madam Neera Chauhan has coordinated this training program along with her team, and 60 qualified students who have qualified the examination, they have been chosen for this training, and after the training program they have conveyed a very good feedback, and in future also they have suggested few advanced packages, and maybe in future this team led by Madam Neeraj will organize such kind of sessions.